बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करम सलीम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। इसी दुआ के साथ हम आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पहली सुबह बलूचिस्तान में और क्वेटा शहर के अंदर। ये देखें साइडों पे पहाड़ हैं और पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच ये शहर है। और पहाड़ इतने बड़े नहीं हैं, जो सकरदू वगैरह के पहाड़ थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, ये उतने बड़े नहीं हैं। तो अभी यहाँ पे ना जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये है कि खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें शायद ही किसी शहर में हमने देखी हों, इतनी रेसिपीज़ या इतनी डिशेज़। यहाँ हमने पेशावर में देखी थी और यहाँ तो जैसे ही आप होटल के बाहर पाँव रखें तो हर तरफ खुशबू ही खुशबू जो है वो आपको महसूस होती है। तो अभी हम लोग भी निकलते हैं बाहर और क्या चल रहा है खाने पीने में, नाश्ता हमने करना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या बन रहा? पराठा, रात को भी पराठा, दिन में भी पराठा। अभी ये रोड जो है बिल्कुल खाली है और रात को जब मैं बाहर निकला था तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी शहर वाले लगता सो रहे हैं, दुकानें जो हैं वो लेट ही खुलती हैं। तो क्वेटा के बारे में जो हमने सुना था, मौसम अभी दिन में तो जो है ना सुबह सुबह जो है ना वो यहाँ पे सर्दी होती है, दोपहर को तो होती है सर्दी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, सुबह थोड़ी महसूस होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ये कौन सी जगह? ये है जी प्रिंस रोड मीठा चौक क्वेटा। मीठा चौक? जी जी मीठा चौक, जंक्शन चौक भी बोलते हैं। आपकी शॉप का नाम? नेमत कदर रेस्टोरेंट। माशाल्लाह, तो नाश्ते में इस वक्त क्या क्या है आपके पास? ये पूरी, हलवा, छोले, कचौरी, छोटा पाया, बड़ा पाया, निहारी, चाय, अंडा पराठा। वाह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो क्वेटा का स्पेशल नाश्ता जो है, ये नहारी वगैरह तो पंजाब में बहुत खाई जाती है। इसके भी अगर हमारे पास स्पेशल जो है ना, ये हलवा पूड़ी तैयार होती है। हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी सही हो रहा है माशाल्लाह। ये तकरीबन पूरे बलोचिस्तान में जो है ना, हलवा पूड़ी बलोचिस्तान में, पूरे बलोचिस्तान में मशहूर है हमारा हलवा पूड़ी। सही हो रहा है। इसका भी फोटो बना है, इसका दिल में अरमान, बड़ा अरमान है इसका दिल में। आ जाओ है देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नेमतुल्लाह। नेमतुल्लाह, तो आप क्या करने आए हैं? हम लोग ये चीज़ें खरीदने हैं, नाश्ता करने आए हैं। क्या खरीदेंगे यार? 15 दाने पूड़ी और आधा किलो हलवा और 8 पराठे। इसका मतलब है हलवा पूड़ी का नाश्ता करेंगे। इधर माशाल्लाह बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है, दूर दूर से लोग इधर नाश्ता करने के लिए आते हैं। ठीक हो, यानी ये क्या मशहूर दुकान है? हाँ ये माशाल्लाह बहुत मशहूर है, हम जब छोटा था इधर ही आया करता था, हमारा चप्पल का दुकान भी है। तो ये जनाब पूड़ियाँ यहाँ पे, नाश्ते में जो पहला हमला हमने किया वो किया हलवा पूड़ी के ऊपर चिकन कचौड़ा। तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हैं और ये सब हमने खाया। ये दे दे दे।
ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि और भी हमने चीज़ें खानी है, थोड़ा थोड़ा खाया लेकिन वाह मज़ा आ गया। यहाँ पे हमने नाश्ता किया, ये देखें रश, और अभी बाज़ारों में रश बढ़ना शुरू हो गया। जब हम आए थे यहाँ पे रश नहीं था लेकिन अब इतना रश हो जाएगा यहाँ पे। ओए होए होए, चावल डालेंगे इसमें अंदर। जी जी ठीक हो गया। तो खड्डे में रख दिया गया है, ऊपर से ढक्कन, कोयटा का जो मशहूर खाने हैं उनमें से एक खड्डा गोश्त भी है, ये ज़मीन में खड्डा बना के बनाया जाता है, तो आज वो बना रहे हैं हम लोग, किसी से बनवाया है, यहाँ पे जो प्रोफेशनल है उनसे बनवाया है। ये देखें इसको, ज़मीन के अंदर जो है ना इस तरह का खड्डा था, तो इसके अंदर अभी इस वक्त 3 घंटे के लिए दम लगा दिए हुए हैं, नीचे भी कोयले हैं, ऊपर भी कोयले हैं, साइड में मिट्टी लगा दी हुई है, तो अब ये बनता है तो खाते हैं इंशाल्लाह। इधर से खोल लेना, ये देखिए अच्छी तरह बकरा जो है वो पक चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और चावल भी कितने मजे के लग रहे हैं। ये मुकरम भाई